तो हेलो दोस्तों, अभी अभी तुम्हारा भाई देखकर आ रहा है मूवी ऊंचाई, जिसकी स्टारिंग है डैनी डेंगजोंगपा, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता, परिणीति चोपड़ा एंड अदर। ऊंचाई मूवी को देखकर आने के बाद बस एक ही चीज मुझे समझ में आ रहा है कि मूवी का हर एक एस्पेक्ट सही है। मूवी में सोशल मैसेज था, मूवी में फैमिली वैल्यू था, फ्रेंडशिप वैल्यू था, हर इंसान के जीवन के अपने अपने पहलू थे, लेकिन स्टोरी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी खिंची हुई लगी। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि चार दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त की उसके बर्थडे की रात को ही मौत हो जाती है और उस दोस्त की ख्वाहिश होती है कि उसे एवरेस्ट पे जाना है। बस यही बात जो उसके दोस्त के गुजर जाने के बाद तीनों दोस्तों को खलती है और वो चाहते हैं कि अब हम अपने दोस्त की अस्थियों को और उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी उसको हम एवरेस्ट में चढ़ के पूरा करेंगे। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है और बढ़ते बढ़ते अनुपम खेर की फैमिली तक, बोमन ईरानी की फैमिली तक, हर किसी के फैमिली के रास्ते गुजरते हुए ये कहानी एवरेस्ट से चली जाती है। तो यही है बेसिक कहानी, जिसमें कि आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा, क्योंकि सूरज बढ़ जाते की मूवी है तो इसमें आपको वैल्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है इस मूवी के, उन्होंने क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है हर एक किरदार के लिए, चाहे नीना गुप्ता हो, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे बोमन ईरानी हो, चाहे श्री अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे परिणीति चोपड़ा हो। वो जो ट्रैकिंग का जो कॉस्ट्यूम है वो टोटली ऑसम है। उनको देखकर लगता है कि अभी जाके मैं भी ये सारे कपड़े खरीद लूं। इस मूवी का जो दूसरा जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी। जिस तरह से नेपाल और हिमालय की चोटी को दिखाया गया है, ऐसा लगता है जैसे मैं खुद वहां पर हूं, इतना रियलिस्टिक लगता है वो पूरा का पूरा दृश्य। साथ साथ कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर के रास्ते वाली चीजों को दिखाया गया है। तीसरी एक पॉजिटिव चीज है इस मूवी में, जिस तरह से खाने की चीजों को दिखाया गया, हमारे जो इंडियन फूड्स हैं, पराठा, अचार, चटनी, इन सबको इतना बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है कि उस टाइम देखकर मेरी खुद की भूख बढ़ जा रही थी उस चीजों को देखकर। तो ये सारी चीजें जो है कहानी में बहुत दमदार है। कहानी का जो बैकग्राउंड सॉन्ग्स है वो कहानी के हिसाब से चलता है। कहानी बहुत ही अच्छी है, कहानी बहुत बढ़िया है, लेकिन है बहुत सिंपल सी। 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है, इसको कुछ भी नहीं तो आधा घंटा कट किया जा सकता था, क्योंकि आज की डेट में मूवी इस तरह से बनाई जाने लगी है कि स्टोरी को एकदम फास्ट पेस में दौड़ा के चीज़ों को फास्टली हर चीज़ को दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये मूवी काफ़ी स्लो लगती है। जिस तरह से इस मूवी का रन टाइम है और जितनी कम स्टोरी के साथ इस मूवी को इतना लंबा खींचा गया है, बस वही थोड़ा सा चुभता है। इसी तरह की और भी वीडियो बनाना चाहता हूं मैं, लेकिन आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसी से मैं और भी वीडियो बना सकता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।